दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी अब 72 साल के हो चुके हैं। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी के पास क्या क्या है, कहां कहां उनके घर हैं, उनके पास कुल कितनी संपत्ति है, वो कहां निवेश करते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 2.23 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। यह जानकारी पीएमओ ऑफिस की ओर से साझा करी गई है और इसके मुताबिक मोदी की संपत्ति में एक साल के भीतर 26 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। उन्होंने 2.23 करोड़ रुपए में से अधिकांश बैंक खातों में जमा की हुई है। पीएम मोदी की संपत्ति से जुड़ी ताज़ा जानकारी में सामने आया है कि उनके पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। दरअसल उन्होंने गांधीनगर में अपने हिस्से की जमीन भी दान में दे दी थी। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी बॉन्ड, शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में कोई निवेश नहीं किया हुआ है। उनके पास खुद का कोई वाहन भी नहीं है। हालांकि उनके पास 1.73 लाख रुपये कीमत की 4 सोने की अंगूठी जरूर हैं। 30 मार्च 2022 तक घोषित संपत्ति की जानकारी पीएमओ की वेबसाइट पर साझा की जाएगी। अब प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई कि 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार पीएम मोदी के पास 2,23,82,504 रुपये की संपत्ति है और पिछले साल से, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, 26 लाख रुपये का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2002 में उन्होंने एक आवासीय जमीन खरीदी थी। इसमें वे तीसरे हिस्सेदार थे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अचल संपत्ति सर्वे संख्या पर उनके हिस्से का कोई मालिकाना हक नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन दान कर दी थी। सिर्फ 35,250 रुपये उनके पास कैश हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में 9,05,105 रुपये के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं, जबकि 1,89,305 रुपये की जीवन बीमा की पॉलिसी उनकी बताई जाती है।